देश की आजादी के लिए सब कुछ न्योछावर करने वाले करोड़ों युवाओं के आदर्श चंद्रशेखर आजाद की 90वीं पुण्यतिथि शनिवार को उनकी जन्मस्थली अलीराजपुर जिले के आजाद नगर में मनाई गई। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर चंद्रशेखर आजाद की शहादत को नमन किया। माँ भारती की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले भारतीय क्रांतिकारी चंद्रशेखर की 90वीं पुण्यतिथि देश भर में बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। वहीं आज़ाद की पुण्यतिथि के अवसर पर जन्मस्थली आज़ाद नगर स्थित कुटिया पर अल सुबह से देशभक्त को नमन करने वालों का तांता लगा रहा, जहां भाजपा सांसद गुमान सिंह डामोर, पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान, माधव सिंह डावर, जोबट विधायक कलावती भूरिया, अलीराजपुर विधायक मुकेश पटेल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष महेश पटेल सहित भाजपा कांग्रेस से कार्यकर्ताओं ने शहीद चंद्रशेखर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष महेश पटेल, विधायक कलावती भूरिया, विधायक मुकेश पटेल ने आजाद कुटिया पर नमन करने के पश्चात बीच चौराहे पर एसडीएम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए साड़ी व चूड़ी भेंट करने की कोशिश की, किंतु एसडीएम ने लेने से मना कर दिया, जिस पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के नाम कोरियर कर पहुँचाने की बात कही। जनता की ओर से कोटि कोटि नमन करती हूँ और याद करती हूँ। आज उनका बलिदान दिवस है, पूरा देश मनाता है, विश्व में मनाते हैं और हमारे यहाँ का जन्म है आजाद साहब का, इसलिए जोरों शोरों से हम बरसों से मनाता आए हैं और आगे भी मनाते जाएंगे। आजाद किया वो देश भक्ति से बढ़ जाता है। किन परिस्थितियों में हमारे अमर शहीदों ने ये आजाद नहीं हुए, इसका संदेश हम आजाद कुटिया पर आकर हमारे नौजवान साथियों को देना चाहते हैं, देशवासियों को देना चाहते हैं कि जो हमको आज़ादी मिली है वो बिना कड़क बिना ढाल के नहीं, हमारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आज़ाद करवाया है, जिसमें अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का सर्वोपरि नाम। शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि के अवसर पर आजाद नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधि शामिल हुए। अलीराजपुर से सुमित सालवी की रिपोर्ट।